पेशावर वर्सेज लाहौर सुपर लीग T20 का महामुकाबला दोस्तों दोपहर 2:30 PM को खेला जाना है। इसका मेगा है दोस्तों 8.5 करोड़, अर्थात फर्स्ट विजेता को मिलने वाले 1 करोड़ रुपए। तो आप हाथ पे हाथ रखकर मत बैठिएगा, एक बार दोस्तों अपने इष्ट का नाम लीजिए, जिस भी इष्ट को आप चाहते हो, जैसे हम चाहते हैं दोस्तों श्री राम भगवान को, तो हम दोस्तों श्री राम भगवान का उद्घोष करके कमेंट बॉक्स में लिखते हैं जय श्री राम। आप जिस भी ईश्वर को चाहते हो, हम ये नहीं करते, आप जिस धर्म से हो, जिस भी ईश्वर को चाहते हो उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है दोस्तों। क्योंकि आज हम ज्योतिष विद्या को से आपको बताएंगे कि कितने खिलाड़ी लेकर के चलना है तो आप आबाद होंगे, कितने खिलाड़ी लेकर के चलना है तो आप बर्बाद होंगे। क्योंकि दोस्तों हम आपको दोस्तों वही करते हैं जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों आजकल हमारी टीम के दोस्तों खिलाड़ी कप्तान कप्तान बन के आ रहे। आप लोगों को अगर विश्वास ना हो तो हम आपको दिखाएंगे भी दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं कल का मैच था जो WPL लीग का, उसे हम सबसे पहले दिखाते हैं। WPL मैच था यूपी वर्सेस गुजरात के बीच जो मैच था दोस्तों, उसको हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों। जो मैच था उसके विषय में पूरी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। यहां पर दोस्तों कुछ दोस्तों बादल है, नेटवर्क यहां पर स्लो है, यहां पर आप लोग देख सकते हैं। ये देखिएगा मैच में क्या था दोस्तों, यहां पर ये मैच था दोस्तों, यहां पर ड्रीम टीम वाले के 752.5 पॉइंट थे और कप्तान में जी हैरिस थी और वाइस कैप्टन में एस एक्लेस्टोन थी जो दोस्तों बॉलर की भूमिका निभा रही थी और बैटिंग की भूमिका में जी हैरिस थी। और हमने आपको दोस्तों यही टीम दी थी यहां पर टेलीग्राम चैनल पर दी थी। आप लोगों को अगर विश्वास ना हो तो हम आपको दिखा भी सकते हैं, या तो दोस्तों हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे देख देंगे, आप टेलीग्राम चैनल में जाकर के विजिट कर लेना। जो हमने कल सेफ टीम थी उसका कप्तान क्या था और क्या टीम थी तो आप दिखाई देते हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को विश्वास नहीं होता, क्योंकि दोस्तों हम हवा हवाई पर बात नहीं करते दोस्तों, हम दोस्तों प्रूफ के साथ आपके साथ आते हैं। देखिएगा हम आप चलते ले चलते आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप लोगों को बिल्कुल हम टेलीग्राम चैनल पर ले जाएंगे दोस्तों, और चलते देरी न करते हुए हमारे आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए। आप लोग देख सकते हैं कहीं दूसरे का तो नहीं है, ये भी हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। कहीं आप देखिएगा ड्रीम क्रिकेट स्पोर्ट नाम चैनल यूट्यूब चैनल पर हम वीडियो प्रोवाइड करते हैं, और ड्रीम क्रिकेट स्पोर्ट नाम के चैनल पर ही दोस्तों ये देखिएगा हमारे टेलीग्राम आईडी भी है। तो आप लोगों को ये टीम दी थी हम यूपी वर्सेस गुजरात सेफ टीम, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। यहां पर हमने कप्तान जी हैरिस को बनाया था, वाइस कैप्टन में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, हम एक गार्डनर को बनाया था, बल्कि एस एक्लेस्टोन हमारी टीम पर है। आप लोग पूरी तरह से देख सकते हैं इसमें दो रन एस एक्लेस्टोन हमारी टीम पर है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि हमारी टीम में कितने खिलाड़ी डीटी से आए, वो भी हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हम लगभग लगभग जीत ही चुके थे, थोड़ी सी मिस्टेक दोस्तों हमें 1.5 करोड़ जीतने से वंचित कर दिया है। तो आप लोग लगे रहिएगा दोस्तों, आप लाखों रुपए विन कर सकते हैं, हमने टेलीग्राम चैनल आपको दिखाया। अब हम चलते हैं दोस्तों, हम आपको ये भी दिखाई देते जो हमने टीम बनाई थी यूपी वर्सेस गुजरात के, उसमें सेफ टीम जो बनाई थी आप लोग देख सकते हैं, जहां डीम टीम में 752 हमारे दोस्तों 655 पॉइंट थे। जे हैरिस को दोस्तों हमने कप्तान बनाया था, ए गार्नर को वाइस कैप्टन बनाया था। आप लोग देख रहे होंगे हमारी टीम में देखिए कितने खिलाड़ी डीटी पर है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे दोस्तों। एक खिलाड़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 खिलाड़ी जो हमारी डीटी पर आए हुए हैं। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे किस प्रकार से हम टीम देते हैं, किस प्रकार से हम दोस्तों बहुत देर मंत्रा करने पर एनालिसिस करने के बाद आपको हम दोस्तों टीम प्रोवाइड करते हैं। तो आप लोग विश्वास करेंगे तो आज लाखों रुपए आपको हम विन कराएंगे, किसके द्वारा, वो भी हम ज्योतिष विद्या के द्वारा। क्योंकि दोस्तों क्योंकि कहते हैं ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, दोस्तों हम आप कैसे हिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं और लेते हैं ज्योतिष विद्या का सहारा, आपको कितने विकेट कीपर लेकर चलना है, कितने का शुभ योग चल रहा है, कितने बैट्समैन लेकर चलना है, कितने ऑलराउंडर लेकर चलना है और कितने बॉलर लेकर चलना है, कितने का योग आपके लिए शुभ होगा। तो उस जानकारी से पहले हम लोग एक मंगलाचरण श्लोक का ध्यान करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजम,
मंगलम पुंडरी काक्षय मंगलाय तनोहरि। और किसी भी कार्य करने से पहले सबसे पहले दोस्तों श्री गणेश भगवान का आह्वान किया जाता है। तो आओ श्री गणेश भगवान का आह्वान करके के हम लोग चलते हैं और पूरी तरह से विचार मंत्रण करते हैं। तो आओ चलते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नम कुरु मे देवो सर्वकारे सर्वदा। तो आओ चलते हैं दोस्तों। आज कितने विकेट कीपर लेकर के चलेंगे तो हम लोग आबाद हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप दो इन से दो विकेट कीपर लेकर चलते हैं तो आप बिल्कुल बर्बाद होने वाले हैं। दो या तीन विकेट लेकर चलते हैं आप माइनस में जाने वाले हैं और ऐसे घूम जाएंगे जैसे पृथ्वी घूमती है। तो आप लोग दो या तीन विकेट कीपर लेकर के बिल्कुल नहीं चलेंगे। तो फिर आपको कितने विकेट कीपर लेकर चलना चाहिए? आप अगर एक विकेट कीपर लेकर के चलते हैं तो दोस्तों आपके साथ सूर्य चंद्रमा सब कुछ है और आपके तारे टिमटिमाते रहेंगे, अर्थात आपका शुभ योग है। आज आप सेफ्टी जोन में अगर जाना चाहते हैं तो एक विकेट कीपर का जो शुभ योग है आपके लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। उसके बाद दोस्तों हम विकेट कीपर की पूरी तरह से बात कर चुके हैं। अब बात आती है यहां पर बैट्समैन की। आखिर हम बैट्समैन कितने ले तो उसके लिए भी अगर आप तीन से चार बैट्समैन लेकर के जा रहे हैं तो आप माइनस में जा रहे हैं। दोस्तों राहु केतु आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे और राहु केतु जिसके पीछे लग गए तो दोस्तों आप चाहे जितना कुछ कर ले आपके हाथ कुछ आने वाला नहीं है। तो आप लोग तीन या चार बैट्समैन लेकर बिल्कुल कदाप न जाए। आप क्या करें, चार या पांच बैट्समैन लेकर के जाना भी आपके लिए खतरा है। तो आखिर आप जाए तो कैसे जाए, कितने बैट्समैन ले? तो दोस्तों यह विकेट कीपर के साथ, विकेट कीपर क्योंकि अधिकतर बैट्समैन होता है, विकेट कीपर के साथ आप पांच बैट्समैन लेंगे तो दोस्तों आप दोस्तों लाखों रुपए विन करना चाहते हैं। तो आप इन खिलाड़ियों को जरूर ले लीजिए, विकेट कीपर के साथ पांच बैट्समैन। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप विकेट कीपर एक लेते हैं तो उसमें चार बैट्समैन आप ऐड कर ले, आप लाखों रुपए विन कर जाएंगे। क्योंकि जो पांच का आंकड़ा है आज आपके लिए दोस्तों बेहद ही शुभ योग दे रहा है। तो पांच के आंकड़े से अगर आप चलेंगे तो लाखों रुपए विन कर जाएंगे। इसके बाद दोस्तों हमने बैट्समैन के विषय में पूरी जानकारी दी। अब बात आती है यहां पर दोस्तों ऑलराउंडर। ऑलराउंडर में आपका जो आंकड़ा है वो दोस्तों बहुत ही अच्छा शुभ योग जो दे रहा है वो आपको एक टीम से एक ही ऑलराउंडर आपको रखना जो शुभ योग दे रहा है। अगर दोस्तों अगर इससे ज्यादा आप ऑलराउंडर रख रहे हैं तो दोस्तों आप माइनस पे चले जाएंगे। तो एक टीम से मात्र एक ऑलराउंडर लीजिए, अर्थात दोनों टीम से दो ऑलराउंडर ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम बॉलर की बात करते हैं, बॉलर के लिए अगर आप तीन से चार बॉलर लेकर के चलते हैं तो दोस्तों आपको दोस्तों ये देखिए बिल्कुल सीट पे आप बिल्कुल फ्लॉप हो जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे और आपको ड्रीम इलेवन से फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। ओम नमः शिवाय। और भी हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप दोस्तों यहां पर आप चार से पांच बॉलर लेकर के चलते हैं, चार से पांच बॉलर लेकर के चलते हैं तो आज आपका शुभ योग है, अर्थात आप लाखों रुपए विन करना चाहते हैं तो चार से पांच बॉलर लेकर चलिए, आप 100% विन कर जाएंगे। दोस्तों इसमें दो राय नहीं, यहां पर हवा हवाई पर बात नहीं होती, यहां पर हकीकत बात होती है। और यहां दोस्तों क्योंकि देखते सच्चाई छिप नहीं सकती कहीं झूठे वसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कहीं कागज के फूलों से। तो दोस्तों सच्चाई हमेशा देखिएगा, एक सच्चाई को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है दोस्तों। तो यहां पर आप लोग बिल्कुल सच्चाई, क्योंकि दोस्तों ड्रीम क्रिकेट स्पोर्ट एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको प्रूफ के साथ जो हम टीम देते हैं, इसीलिए हम कहते हैं हमारे टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए जहां पल पल की जानकारी मिलेंगी और टास होने के 10 मिनट बाद आपको दोस्तों पूरी तरह से एक आपको मिलने वाली है सिक्टिव दोस्तों टीम, जिससे आप लाखों रुपए विन कर जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों हमने पूरी तरह से आपको बताया और एक बार फिर हम आपको आग्रह करेंगे कि एक बार अपने आराध्य का स्मरण कर लीजिए, उद्घोष कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जिस देवता या जिस दोस्तों ईश्वर को आप चाहते हैं उसका नाम लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। वीडियो को लाइक करिए ना करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ना करिए, परंतु ऐसा कर लेंगे दोस्तों क्योंकि दोस्तों ईश्वर के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं क्योंकि कहा जाता है
कि होई सोई जो राम रच राखा को करे तर्क बढ़ावे सखा। आप चाहे जिस प्रकार कर ले, ईश्वर जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है। ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए करता है, आपको बुरा लगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं ड्रीम टीम पर चलते हैं और हम लोग देखते हैं आज जो मैच होने वाला है सुपर लीग, वहां पर फर्स्ट विजेता को कितने रुपए मिलने वाले हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट विजेता को मिलने वाले हैं 1 करोड़ रुपए, सेकंड विजेता को 10 लाख, थर्ड विजेता को 4.5 लाख, फोर्थ विजेता को 3 लाख और पांचवें विजेता को 2 लाख रुपए मिलने वाले हैं। ये दोस्तों कंडीशन है। अब यहाँ पर दोस्तों पिच कैसा बिहेव करेगी दोस्तों ये भी हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर पिच दोस्तों बैटिंग है, अदर बॉलिंग स्टाइल तेज है, औसत स्कोर दोस्तों यहाँ 211 रन है। तो आप लोग सोच रहे होंगे औसत स्कोर 211 रन है तो दोस्तों कितने रन बनाने पड़ेंगे, आप लोग समझ रहेंगे। मैच स्थान है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी, दोस्तों रावलपिंडी पर ये मैच होने वाला है। अब हम दोस्तों गाइड करते हैं और मैच के आंकड़े देखते हैं और लेटेस्ट 5 मुकाबले के विषय में भी जानकारी आपके सामने देते हैं। तो यहां पर लाहौर दोस्तों यहां पर पी पेशावर वर्सेस लाहौर के बीच महामुकाबला है। पेशावर ने लगातार 3 मैच विन किए हैं, लेटेस्ट 5 मुकाबले में 3 विन किए हैं, वही लाहौर को एक भी सफलता नहीं मिली, अर्थात लाहौर बिल्कुल पूरी तरह से फ्लॉप चल रही है। दोस्तों अगर ग्राउंड के आंकड़े की बात करते हैं तो यहां पर पिच बैटिंग है दोस्तों बेहतरीन पेसर्स को मिलने वाली है, मौसम में बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। औसत रन है दोस्तों यहां 211 रन है, आप लोग देख सकते हैं कुल विकेट 54 जहां 38 पेसर्स को 16 विकेट स्पिनर को मिले हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड करते तो पेस ने दो पेशावर ने दोस्तों 5 जीते हैं, वहां लाहौर ने 7 जीते हैं। अगर इस लिहाज से देखते हैं तो लाहौर का पल्ला भारी है, परंतु दोस्तों यहां पर करंट लोकेशन देखते हैं, करंट स्ट्रेटजी देखते हैं तो यहां पेशावर का पल्ला भारी दिखाई देता नजर आता है। आओ हम लोग बनाते हैं अब ड्रीम टीम। तो हम एस फरहान को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं और लेते हैं आर वंडर हुसैन को लेते हैं, बाबर आजम को लेते हैं, एस अयूब को लेते हैं। एस अयूब के बाद दोस्तों यहां पर हम आगे बढ़ जाते हैं और यहां पर एस रजा को लेते हैं, आर प्रावेल को लेते हैं, पी वाल्टर को ले लेते हैं और दोस्तों और भी हम आगे बढ़ जाते हैं। यहां पर हम लेते हैं एस अफरीदी को लेते हैं, एल उड को लेते हैं और दोस्तों एस इरशाद को लेते हैं और ए याकूब को लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। अब बात आती कप्तान कप्तान बनाने में, तो एक बार दोस्तों हम सेफ टीम के लिए बाबर आजम को कप्तान बना रहे हैं और वाइस कैप्टन के लिए दोस्तों हम देख रहे हैं वाइस कैप्टन के लिए शायद एस अफरीदी को लेकर के टीम को सेफ कर देते हैं। तो ये हमारी एक टीम बन चुकी है जो बेहद ही सेफ है। अब हम रिस्की टीम बनाने वाले हैं क्योंकि जीवन में रिस्क लेना बहुत जरूरी है। तो यहां पर एफ फरहान और एम हरीश है और असीबुल्ला है, तो एम हरीश को लेकर के आगे बढ़ते हैं। यहां पर दोस्तों आर वंडर हुसैन को लेते हैं, एफ जमान को ले लेते हैं और दोस्तों यहां पर बाबर आजम को ले लेते हैं और एक दोस्तों और भी हम करते हैं आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम दोस्तों पावेल को ले लेते हैं, सी ब्रॉथवेट को लेते हैं और जे खान को ले लेते हैं और भी आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम दोस्तों जेड खान को ले लेते हैं, जेड खान के बाद दोस्तों यहां पर देखिएगा जेड खान के बाद जे लिंडे को ले लेते हैं और जे लिंडे के बाद साहिन अफरीदी को लेकर के टीम को सेव कर देते हैं। अब बात आती है हमें रिस्क लेने की, अब हम लोग लेंगे रिस्क जहां आर पावेल को दोस्तों वाइस कैप्टन बना देते हैं, वहीं पर हमें कप्तान किसको बनाना है वो भी हम देखते हैं क्योंकि ये रिस्की टीम है। तो कप्तान दोस्तों हम दोस्तों एस फरहान को कप्तान बना करके टीम को सेव कर देते हैं। इस प्रकार से हमारी 2 टीम बनकर तैयार हो चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं। देखिए क्या आंकड़ा है, पहली टीम में 7-4 का आंकड़ा है, दूसरी टीम में 3-8 का आंकड़ा है। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारा नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम, मिलते किसी अनइंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।